नमस्कार, हमारे साथ लालमणि एडवोकेट जी हैं जो नोएडा के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं और बार काउंसिल जीएसटी में एक्सपर्ट हैं और गौतम बुद्ध नगर बार काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि नोएडा में जो 61 नंबर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें वे प्रत्याशियों से क्या अपेक्षा रखते हैं और किस तरह के मुद्दे वो चाहते हैं कि उनको उनका प्रतिनिधि हल करे। नोएडा में ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। देखो, नोएडा की भौगोलिक स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति से भिन्न है। यहाँ इस तबके का आवाम है कि जो पढ़े लिखे समाज को ज़्यादा पसंद करता है जी, और सामाजिक वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। समाज में सौहार्द हो और नोएडा का विकास हो। जो हमारे समाज के गरीब हैं, दबे कुचले हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनका जो है विकास में जिसका योगदान हो। और शिक्षित वर्ग से कोई अगर प्रत्याशी होता, पढ़ा लिखा होता है, नोएडा को समझने वाला प्रत्याशी है, इन महकमों के इन लोगों को समझने वाला हो तो इनका विकास होगा। ऐसा प्रत्याशी नोएडा होगा तो ऐसा जीत सकते। पांडे जी, आप पेशे से जो है एडवोकेट हैं और आप जो है व्यापारियों की और यहाँ की जन समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ जो है सबसे मुद्दे समस्याएं जो हैं मुख्य रूप से क्या है जिनका निराकरण जनप्रतिनिधि को सबसे पहले करना चाहिए? अभी आप वर्तमान में बैठे हैं सेक्टर 9 में। सेक्टर 9 की समस्या है, यहाँ सीवर और पानी तक व्यवस्था नहीं है। यहाँ के सारे व्यापारी गवर्नमेंट को टैक्स देने में जितना बड़ा इनका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इन व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा। दूसरा यहाँ मुद्दा होना चाहिए, यहाँ एक सामाजिक सौहार्द रहे, यहाँ क्रिमिनल नहीं उपजने चाहिए, क्योंकि यहाँ कैश का धंधा लोगों का सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद कम से कम ऐसा ना हो कि आजकल तो सरकार वर्तमान में बढ़िया है, नहीं तो क्रिमिनल यहाँ इतने थे कि इनको निकलने दूभर हो गया था। लोग सामान खरीदने आते, बहन बेटियाँ आती, उनका चैन खींचना और मार दिए सब कुछ। आप एक अधिवक्ता हैं, इस हिसाब से आप ये बताइए कि जनता से आप क्या अपेक्षा करेंगे, जनता किस तरह के जो है प्रतिनिधि को अपना वोट दे? जनता पढ़ा लिखा समाज को समझने वाला जो इन कुरीतियों को दूर भगाने में साथ दे, ऐसा प्रतिनिधि हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा ही होना चाहिए। मैं नोएडा की जनता से मांग भी करूँगा कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनाव करें जो आपकी समस्याओं को अपने स्तर से और समाज के स्तर से समझे और उस जनता के दर्द को अपने दिल में रखे। नमस्कार।